सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बोल्ट के न्यू हेडफोन्स 2Q की, जो कि मेरे पास अभी मौजूद हैं। और ये अनबॉक्सिंग वीडियो भी होगी, लेकिन आज हमने थोड़ा सोचा कुछ अलग करके देखे हैं। इस वीडियो में अनबॉक्सिंग भी है और थोड़ी सी हमने ब्लॉगिंग भी करी, कुछ नया हमने टेस्ट करने की ट्राई करा है। सो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करना जरूर यार। पिछली वाली वीडियो में आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, उस पर 1K से ऊपर व्यू आया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और थैंक यू सभी को, थैंक यू। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये देख सकते हो ये मेरे पास इसका बॉक्स बिल्कुल आ चुका है। अभी मैंने इसे बिल्कुल खोला नहीं है अमेजोन से, जैसे कि मैंने बताया। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ऐसी मैंने रैंडमली एक ऐसी ब्रांड मैंने ले लिया था, तो सब कुछ बताऊँगा वीडियो में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आप उसे लें या ना लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, बॉक्स आ चुका है मेरे पास अमेज़न का। और एक मिनट इधर नहीं दिखाऊंगा, इधर एड्रेस लिखा हुआ है मेरा। I am sorry, मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरा एड्रेस आपके सामने आए, कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले बॉक्स को खोलते हैं। मैंने सील तो काट रखी है इसकी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर क्या क्या था, ठीक है। अंदर जैसे देख सकते हो सिंपली इसका बॉक्स है। सबसे पहले बॉक्स को बाहर निकालता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। सो बॉक्स से मैंने इसको बाहर निकाल लिया है और अंदर देख सकते हो बिल है इसके अंदर और उस और क्या है अंदर बॉक्स में लाया। बॉक्स के ऊपर अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली, जैसे आप देख सकते हो बॉक्स के ऊपर विकी कौशल का फोटो और नीचे लिखा हुआ विकी कौशल ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और चलो फिर पीछे देखते हैं पीछे क्या है। पीछे भी वही से आपको मिलेगा, ठीक है। और पीछे आपको मिल रहा है कृति सेनन का फोटो और उस पर भी लिखा हुआ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और पीछे ज़्यादा कुछ है नहीं, कृति सेनन का फोटो, हेडफोन्स लगाए हुए और ऐसे विकी कौशल का फोटो, हेडफोन लगाए हुए। और ऊपर की तरह आपको मिलते हैं कुछ इसके मेन फंक्शंस, लाइक आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा बेस है, बिल्ट इन माइक है, HD वगैरह फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें। चलो देखते हैं बॉक्स कॉन्टेंट अंदर क्या क्या है। ऑल राइट गाइज, बॉक्स के बाहर तो देख लिया, अब बात आती है कि बॉक्स के अंदर क्या है। तो चलो मैं बॉक्स को आपके सामने ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ कि आपको इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। चलो फिर खोलता हूँ आपके सामने बॉक्स और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मिलता है आपको इस बॉक्स के। तो आई थिंक कार्ड है, ओके। यहाँ बोल्ट्स कंपनी का लोगो बना हुआ है और एक आपको मिलता है वारंटी के ऊपर विक्की कौशल का फोटो और उसमें आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी और एक QR कोड मिलता है आपको। चलो इसे और बॉक्स को रखते हैं साइड में और अब बात करते हैं अपने मेन बूफर की, ठीक है। तो ये आ चुका है बूफर, जिसे आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वालिटी में पैक होकर आया है। सबसे पहले निकालता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ इसे। ओके गाइस, मैंने इसका आपके सामने बिल्कुल अनबॉक्सिंग कर दिया, बॉक्स से निकाल के भी आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड और क्वालिटी की, कि मतलब बिल्ड और क्वालिटी कैसी मिलती है हमें इस रेट के अंदर। तो आप जैसे देख सकते हो मेरे पास इसका हेडफोन आ चुका है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या इस हेडफोन में आपको मिलता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ट की एक ब्रांडिंग है ऐसी, इधर आपको बोल्ट की ब्रांडिंग मिलती है और ये आपको लंबी सी केबल मिलती है इसके साथ। और दोस्तों ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो ये उसका जो पूरा फ्रेम है दोस्तों ऊपर का, ये बना हुआ प्लास्टिक का। और अगर आप देखो दोस्तों ना, यहाँ से लेके इतना जो इसका ये दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है ये बना हुआ दोस्तों, हल्का सा सॉफ्ट है, थोड़ा सॉफ्ट है। अगर आप इसे पहनोगे तो आपके ऊपर हेड के बिल्कुल टॉप पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर बात करें अगर आपके जो आपका सर का जो साइज़ है अगर वो बड़ा है तो आप इसे ऐसे करके कुछ एनलार्ज भी कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और आप इसे यहाँ से भी दोस्तों बड़ा देख सकते हो, बिल्कुल आपके सामने कर रहा हूँ, आप इसे इतना बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपका इतना बड़ा सर का साइज़ है। तो बात करें अगर और चीज़ों की, तो यहाँ पे आपको मिलता है लेफ्ट के लिए यानी लेफ्ट ईयर के लिए ये है और इधर आपको मिलता है एक राइट का यानी कि राइट ईयर के लिए ये है। बात करते हैं इसके स्पीकर्स की, जो मेन इसका जो स्पीकर है जिसमें इसका साउंड आता है। तो देख सकते हो गाइस, मतलब इसका जो आप देख सकते हो जो इसका प्लीज साइज़ है वो कितना बड़ा है, देख सकते हो इतना बड़ा इसका साइज़ है, इतना बड़ा इसका साइज़ है। और अगर बात करें इसमें मतलब आवाज़ कैसी आती है, तो देख सकते, मैं पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। देखो ये कितना सॉफ्ट है, ठीक है। जब आप इसे अपने कान के ऊपर लगाओगे सो बिल्कुल आपको मतलब एक जो होता है पेन बिल्कुल नहीं होगा। आप इसे 1-2 घंटे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल गाइस ये बिल्कुल सॉफ्ट है। और इसके अंदर आपको कपड़ा मिलता है। बात करें अगर इसकी, तो मतलब आपने देखा कि शादियों में जो सोफे मिलते हैं उसके ऊपर जो लगी होती है बिल्कुल उसकी तरह बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है और बहुत आरामदायक है गाइस, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी देख सकते हो बिल्कुल ऐसी इसकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ भी। और अगर बात करें इसको जब आप पहनोगे सो इसका जो साइज़ ही इतना बड़ा है कि आपके कानों के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से एक ग्रिप बना लेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर इसकी केबल का साइज़ कितना है, तो लगभग 1.5 मीटर की इसके साथ आपको केबल मिलती है, 1.5 मीटर की आपको इसके साथ केबल मिलती है। और अगर बात करें कि इसमें मतलब क्या कनेक्टिविटी है, तो इसमें कोई बैटरी बैकअप नहीं है, ठीक है, ना ही ब्लूटूथ है इसमें, कुछ भी नहीं है, सिंपली बस केबल है इसमें
और आप क्या एक्सपेक्ट करोगे 600 रुपये में, ठीक है। तो मतलब काफ़ी, अगर मैं इसे यूज़ बताऊँ अपना क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने इसे यूज़ करा, बिल्कुल मुझे अच्छी जो साउंड क्वालिटी मिली बिल्कुल। और जो इसमें लिखा हुआ है ना, इसकी बॉक्स ऊपर है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इसकी बॉक्स ऊपर लिखा हुआ है ना ये एक्स्ट्रा बेस लिखा हुआ है, वाकई में इसमें एक्स्ट्रा बेस है। और मतलब लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा इसे यूज़ करते वक्त, सच बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैंने लगाया, ठीक है, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो, वो भी आप इसे फुल वॉल्यूम पे अगर यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा बच के यूज़ करो, क्योंकि क्या है, अगर आप फुल वॉल्यूम पे यूज़ करोगे तो हो सकता है आपके पापा आवाज़ दे रहे हैं, अरे अरे सुन ले तुम सुन ही नहीं रहे, क्या पता तुम्हारी पिटाई भी लग जाओ उससे। इसमें थोड़ा ऐसे घर में कम वॉल्यूम पर यूज़ करना, इसका साउंड वाकई में बहुत अच्छा है। और बात करें, एक चीज़ और है इसमें, इसमें बिल्कुल अगर आप लगाओगे तो नॉइस कैंसिल कर देता है, बाहर की बिल्कुल भी बाहर का साउंड आपको आएगा नहीं, कोई आपको चिल्लाए मारे पीटे, मारे पीटे नहीं गाली दे, कुछ भी करे, अगर कुछ भी आपको कहे तो सच बता रहा हूँ आपको लिटरली कुछ भी सुनाई नहीं देगा, अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर लगभग कोई इतनी पास आ गया, अगर चिल्लाए तो सुनाई देगी, ठीक है। लेकिन वैसा जो बाकी के साथ होता है ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कुछ चिल्लाते रहे बाहर आपको अंदर बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। सो अगर आप एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हो, आप इसे लेके जाओ, कोई बिल्कुल टेंशन आपको नहीं आने वाली है। और अगर बात करें प्राइसिंग की, तो लगभग मुझे 600 का करीब पड़ा। और अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, आप वीडियो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरे बोलते में कुछ गलतियां हो गई हैं तो मुझे वो भी माफ़ कर दीजिएगा। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो आ चुकी है, उसे भी जाकर जरूर देखना। और कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया, मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।